भाई इसमें इसमें बहुत जाती लेफ्ट में ना, बहुत जाती, और ये फूला हुआ था तो कि बस ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो भाई, ये बस ये एग्ज़ाम ख़त्म हो। ये देखो यही यही अटका हुआ है यहीं, ठीक है। मैं सुबह से रीस्टार्ट मार मार के थक गया, मादा इतनी खुशी मेरे को ना, हो सकता है डिग्री मिलने में भी ना मिले जितनी मिल रही है भाई। इतनी मैनेजमेंट तो MBA में नहीं पढ़ी होगी लोगों ने जितनी मैंने एक सेमेस्टर में पढ़ी। तो गाइस आज ना मेरा तीसरा दिन है इस कंजक्टिवाइटिस का। तो गाइस आज क्या है ना कि आज ना काफ़ी कम है, इसे देखो जो स्वेलिंग है ना आँख के पास और जो रेडनेस रखी है इसमें, तो मतलब लगभग कमी ख़त्म ही हो गई भाई। इसमें इसमें बहुत जाती लेफ्ट में ना, बहुत जाती, और ये फूला हुआ था तो गाइस अभी ना ये कम हो गया है और फूला हुआ भी काफ़ी कम है, तो अभी काफ़ी रिलीफ मिल रहा है ना। और अभी ये कि मैं पढ़ सकता हूँ, जैसे मेरा 28 को एग्ज़ाम है तो अब मेरी आँख ऐसी हो गई है कि मैं कुछ पढ़ पा रहा हूँ। वरना भाई पहले तो ऐसे था कि मैं भाई जैसे स्क्रीन खोलूँ ना तो यार आँख से पानी निकल लग गया, ज़बरदस्त पानी भाई। मैं 10 मिनट स्क्रीन को लगातार नहीं देख सकता था, ऐसे 2 दिन में ऐसा हो गया यार। पर चलो कम से कम अभी कल जो दवाई ली ना उससे यार वो काफ़ी रिलीफ मिला। अब तो मेरे को लग रहा है कि मैं पढ़ पाऊँगा और एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा, वरना तो यार भाई मैं इतना डर गया था कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था भाई उस एग्ज़ाम के लिए। और अगर मेरा 2 दिन और खिंच जाता ना भाई तो यार मतलब मेरे को तो लगता है ऐसे एग्ज़ाम देना पड़ता। तो गाइस अब मेरी आँख ठीक हो रही है, इसी बात के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आप देखते तो हो लेकिन यार ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, तो कर दिया करो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैं वो फाइनली एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ भाई। इस एग्ज़ाम ने ना भाई मेरे को बहुत दुख दिया भाई। ये एग्ज़ाम मेरे को देना था दिसंबर में, फाइनल पिछले साल के, मैं दे रहा हूँ अभी जुलाई में। तो गाइस आप समझ गए होंगे कौन सा एग्ज़ाम है। और गाइस यहाँ पे बंदर हैं वो देखो गाइस, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओ भाई इधर चल लेता हूँ, वो देखो गाइस बंदर, ये देखो यहाँ कितने बंदर हैं। एक घूम रहा सामने, एक उधर घूम रहा। पर गाइस मेन बात ये नहीं थी, मेन बात ये भाई कि यार फाइनली बस मैं आज ये चाहता हूँ कि बस ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो भाई, ये बस ये एग्ज़ाम ख़त्म हो। क्योंकि यार इस एग्ज़ाम ने ना भाई बहुत दिमाग ख़राब किया है। पता क्या हुआ, देखो पहली बात तो मेरी पिंक आई हो गई, दिखाता हूँ। खैर ये तो हो गया था बट अब ठीक है, अब तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, 90%। बट यार मेरे को हो गया था, फिर मम्मी को भी हो गया बहुत ज़्यादा, मम्मी को तो मेरे से भी ज़्यादा सीवियर रखा है भाई। और यार ये हुआ, ऊपर से पता क्या हुआ भाई, देखो मैं होता तो मेरे फ़ोन की हालत सुबह से क्या है भाई। जैसे आप लोग जानना चाहते होंगे ना कि मैं कौन सा फ़ोन यूज़ करता हूँ या मैं क्या करता हूँ, तो भाई ये देखो भाई सुबह से यहाँ, ये देखो यही यही अटका हुआ है यहीं, ठीक है। मैं सुबह से रीस्टार्ट मार मार के थक गया, मार मार के थक गया भाई, रीस्टार्ट सही नहीं हो रहा, वहीं पर अटका हुआ है भाई, वहीं अटका हुआ है। तभी मैंने सोचा यार कैमरा लेके जाता हूँ फिर इससे रिकॉर्ड करूँगा, और भाई ना मेरे को, अब देखो वो तो अच्छी बात है कि मैं अपना सेंटर वगैरह याद करके आते घर से कि SPS 10 में, वरना तो भाई पूरा कांड था। मेरे को पता नहीं मेरे सेंटर कहाँ है, फ़ोन हैंग पड़ा है, ठीक है कुछ होगा नहीं, काम बेकार है भाई सब, इसलिए भाई मैं कुछ नहीं पढ़ पाया आज, कुछ नहीं पढ़ा भाई मेटर में कुछ नहीं। क्योंकि देखो फ़ोन की हालत देखो भाई, अटका पड़ा ही अटका पड़ा है भाई, हिल ही नहीं रहा। अब कहीं आगे हिले तब तो मैं कुछ पढ़ूँ, अब कुछ होने रहा है। अब गाइस SPS 10 में चलते हैं, फिर वहाँ देखते हैं क्या होगा भाई। अब वो USPS 10, अब बस ये है कि बस एग्ज़ाम हो जाए बढ़िया से भाई, एग्ज़ाम हो जाए बस, ख़त्म हो एग्ज़ाम यार। अब नहीं झेला जा रहा भाई इसको, ये मैनेजमेंट है ही बेकार सब्जेक्ट भाई यार, इसने भाई झलाया इतना ज़िंदगी में, किसी सब्जेक्ट ने नहीं झलाया होगा, अब बस ख़त्म हो। चलो गाइस अभी वैसे तो टाइम 11:55 हो रहा है, 5 मिनट बचे हैं अब पहुँचते सेंटर पर। गाइस 5:07 हो रहे हैं, और गाइस देखो मैं कहाँ गया व्यू देखने भाई, यहाँ से दिखता है कॉलेज का बढ़िया व्यू। गाइस एग्ज़ाम तो मेरा ख़त्म हो चुका है, और भाई भाई बहुत खुशी मिल रही है आज, पता है इतनी खुशी मेरे को ना, हो सकता है डिग्री मिलने में भी ना मिले जितनी मिल रही है। क्योंकि यार भाई बहुत टेंशन है इस एग्ज़ाम में, बहुत टेंशन थी, इससे बहुत दिमाग ख़राब किया, अब बस ख़त्म हो गया, बस ख़त्म हो गया, इंपॉर्टेंट ये ख़त्म हो गया। और बढ़िया सेवा मतलब पेपर तो आसान था, क्योंकि क्या ही मुश्किल पूछेंगे भाई इसमें, पेपर आसान था बस हो गया ख़त्म यार। अब सही है, अब आराम से घर चलता हूँ भाई, वरना तो यार। और गाइस मैं दिखाता हूँ मेरे फ़ोन का क्या हुआ, ये देखो गाइस पूरे मतलब बंद हो गया भाई। अब पहले क्या था ना, मतलब लाइट ऑन थी और पूरे टाइम ना वहीं अटका था जहाँ मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में। अभी 3 घंटा एग्ज़ाम के बाद ना भाई यहीं पे फिर मेरे को लगता है बैटरी ख़त्म हो गई तो बंद हो गया ये।
देखो अब ऑन भी नहीं हो रहा, ऑन करूँगा ना मैं, नहीं होगा ऑन। तो गाइस यहाँ पे था SPS 10 भाई, इसके अंदर वो है, अंदर सेंटर था यहाँ से। हाँ गाइस मैंने ज़्यादा अंदर नहीं गया सेंटर में, क्योंकि वहाँ पे ना अभी गार्ड्स और टीचर वगैरह हैं, तो वो फिर अंदर जाते ना मैं तो चक्कर देगी भाई ये क्या करने आ गया है। इससे गाइस मैंने दूर से दिखा दिया। वैसे अंदर वही है कि बिल्डिंग है, फिर उसके अंदर मैं बिल्डिंग कह रहा हूँ टनल है, टनल के अंदर फिर इधर लेफ्ट राइट में है रूम्स, तो वो नए बने हुए ना जिससे वो सही दिखते हैं। तो वहाँ पे था एग्ज़ाम। हाँ गाइस यहाँ भी देखो भाई पूरी खाली रोड, पूरी खाली, कोई नहीं है, कहीं भी नहीं दिखेगा, बहुत ही कम लोग दिखेंगे यहाँ पे, ऐसे जनरली कोई नहीं दिखेगा ना, क्योंकि अभी जब भाई जब प्लेसमेंट आएगा ना तब यहाँ पे भीड़ होगी। और अभी जब मतलब आएंगे फर्स्ट ईयर वाले भी आने वाले होंगे। मैंने सुना है कहाँ उनका मतलब अभी अगस्त में ना, अगस्त कह रहा हूँ 31 जुलाई से 4-5 अगस्त तक उनका भी रहने वाला है ओरिएंटेशन। जैसे भाई हमारा तो भाई 2020 था पूरा कोविड, सब वो वर्चुअल ओरिएंटेशन वर्चुअल। तो चलो भाई वो तो जो है सो है, मेन है भाई अपने एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, और वो भी मैनेजमेंट का बैक पेपर ख़त्म फिनिश करना। तो यार एक तो भाई घूमने के चक्कर में बैक लग गई, और यार बड़ी मुश्किल से पढ़ना पड़ा दोबारा, बहुत बुरा लगा यार दो बार मैनेजमेंट पढ़ के। भाई इतनी मैनेजमेंट तो MBA में नहीं पढ़ी होगी लोगों ने जितनी मैंने एक सेमेस्टर में पढ़ी, मतलब एक साल में 2 बार मैनेजमेंट भाई पूरा कोर्स। जबकि जाने से पहले भी मैंने ना तैयारी मतलब पढ़ ली थी, कुछ मैंने पढ़ लिया था एंड टर्म का, क्योंकि मैं पहले से कुछ पढ़ता रहता हूँ ना। लेकिन भाई फिर भी यार 2 बार मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ना बड़ी बात है। तो चलो गाइस अब घर चलते हैं, बाय बाय। हाँ और भाई मैंने ना मतलब एग्ज़ाम दे दिया, अब इस बात पे लाइक कर दो यार वीडियो को कि एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो गया, लाइक कर दो, और यार चैनल पे को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो गाइस अब घर चलते हैं। सारी वैरायटी हो गई भाई इसमें, इसमें से बहुत ये सब हटाते जाओ भाई, इतने टाइप के दाल है, फिर इतना स्टार्ट है, ये ब्राउनी, ये चटनी ग्रेवी, उसके बाद भाई सैलड, ये अंगूरी गुलाब जामुन, अंगूरी गुलाब जामुन गिर गया है, रोटी भी है, ये सब